हेलो, वेलकम यू ऑल टू इन्फॉर्मेशन क्लाउड चैनल। आज हम लोग चर्चा करेंगे रिसेंटली जो न्यूज़ आई है हिंदी भाषा इम्पोजिशन को लेकर। चलिए फिर डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं वेदर इट्स एन इम्पोजिशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एट सम रीजनल लीडर्स एंड अपोजिशन लीडर्स आर सेइंग और इट्स समथिंग एल्स। लेट्स फाइंड आउट। जैसे कि आप सबको पता होगा कि रिसेंटली हमने हिंदी दिवस मनाई, जो कि हर साल हम सितंबर 14 को ही मनाते हैं। वो इसलिए है कि उसी दिन 14 सितंबर 1949 को हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दे दी गई थी। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये डिसाइड किया था कि हिंदी जो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है उसको एक नेशनल लैंग्वेज के हिसाब से माना जाए। फिर 1953 से हर साल इसी दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं एट द रिक्वेस्ट ऑफ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड इट्स प्रोपागेशन। सन 1918 को गांधी जी ने भी एक इनिशिएटिव लिया था हिंदी लिटरेचर कॉन्फ्रेंस में कि हिंदी लैंग्वेज को ही नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए। उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया था कि हिंदी इज़ द लैंग्वेज ऑफ पब्लिक। खैर, ये तो थी पुरानी बातें, लेकिन अभी क्यों इसको लेकर राजनीति गरमाया हुआ है? जैसे कि आप सबको पता है, इस बार भी जैसे हम हिंदी दिवस मना रहे थे तो देश के गृह मंत्री ने ये बोला कि देश को यूनिटी में लाने के लिए अगर कोई भाषा अहम रोल अदा करती है तो वो है सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला लैंग्वेज हिंदी। उन्होंने ये कहा कि पूरी देश को आगे आना चाहिए हिंदी को प्रमोट करने के लिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर लैंग्वेज। ये उन्होंने भी कहा है। उन्होंने अपनी ट्विटर थ्रेड पर यह भी लिखा है, इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज है और सब लैंग्वेज अपने आप में स्वतंत्र है, बट ये भी इम्पोर्टेंट है कि देश का कोई एक कॉमन लैंग्वेज हो जो कि विश्व दरबार में इंडिया की पहचान बना सके। अभी जैसे कि देश में वन नेशन वन टैक्स की व्यवस्था है, ऐसे ही वन नेशन वन इलेक्शन और वन नेशन वन लैंग्वेज के बारे में भी गवर्नमेंट सोच रही है। आपको पता होगा हमारे दोनों पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना अपनी नेशनल लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा एम्फोसिस देते हैं। पाकिस्तान उर्दू को प्रमोट करता है और चाइना अपना चाइनीज़ मैंडरिन को। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि देश में कॉमन लैंग्वेज रहने से क्या फ़ायदा हो सकता है। जैसे ही अमित शाह का ये बयान आया, वैसे ही हर जगह से विरोध शुरू हो गया। जैसे कि पहले हुआ था जब ये डिसाइड किया गया था कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए, तब भी साउथ इंडिया से बहुत आपत्ति हुई थी, बहुत सारे स्टेट्स खूब आपत्ति जताए थे। और फिर तब इंग्लिश को भी इंक्लूड करना पड़ा था एक ऑफिशियल लैंग्वेज हिसाब से। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, जैसे ही उनका बयान है वैसे ही साउथ के नेता लोग जैसे जयराम रमेश, स्टालिन, कमल हासन, रजनीकांत सब ने टिप्पणी करना चालू कर दी। उनका हर टाइम यही खतरा महसूस होता है कि अगर हिंदी इम्पोज कर दिया जाएगा तो उनका जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएगी। तो वो लोग किसी भी हालत में अपने लैंग्वेज को डाउनग्रेड नहीं करना चाहते। कांग्रेस ये तक भी बोल दिया कि वन नेशन वन लैंग्वेज का आइडिया विल नेवर बी ए रियलिटी। आप सभी को ये पता होगा कि रिसेंटली एक ड्राफ्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी सामने आई थी, जिसमें एक प्रावधान ये भी था कि हिंदी को प्रमोट करने के लिए देश में हर एक स्टेट में हर एक स्कूल में पढ़ाया जाएगा। ये सब सुन के कुछ साउदर्न स्टेट आग बबूला हो गए, क्योंकि हमारे ऊपर ज़बरदस्ती हिंदी लैंग्वेज को थोपने की साजिश हो रही है। बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ था ये सब को लेकर। इवन तमिलनाडु में जो कि बीजेपी अलाय है AIADMK, उन्होंने भी इस मामले में टांग पीछे खींच लिया था। अभी BS येदियुरप्पा जो कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी साफ साफ मना कर दिया कि कन्नड़ के सिवाय हम किसी को मान्यता नहीं दे सकते। तो बाद में ये प्रपोजल को रोका भी गया था, बिना कोई ठोस कदम के ये लागू भी नहीं हो सकता कभी भी, ना कि गवर्नमेंट कुछ कर भी सकती है जो मैं सोचता हूँ। और एक बात, इंडिया अभी तेज़ी से उभरता हुआ देश है। ये बात भी है कि दुनिया में हमारे जैसे बड़े देश को रिप्रेजेंट करने के लिए भी कोई एक भाषा होनी चाहिए। अभी इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, मैंडरिन, अरबिक जैसे 6 लैंग्वेज यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है, जिसमें सारा मीटिंग या डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है। तो ये प्रपोजल भी दिया गया था कि हिंदी को भी UN का एक ऑफिशियल लैंग्वेज के हिसाब से ऐड किया जाए, क्योंकि इंडिया को छोड़ के कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी है।
कुछ कारणों के वजह से ये सब हो नहीं पाया। कभी किसी और वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बात करते हैं कि फ़ायदा क्या है एक देश में एक लैंग्वेज, एक मेन लैंग्वेज रखने का। आप चाइना को देख लीजिए, वो मैंडरिन को खूब प्रमोट करता है। शायद वो डेडलाइन भी फिक्स कर दिया है 2020 तक चाइना का, मोर देन 80% लोग को मैंडरिन कंपलसरी सीखना होगा। उनका रिसर्च ग्रुप है जो भी चाइना में, वो ये बताते हैं कि एक कॉमन लैंग्वेज रहने से पॉवर्टी इरेडिकेट करने में उनको आसानी होती है, क्योंकि उनका ये मानना है कि एक लैंग्वेज होने से कोई बैरियर नहीं रहता देश में। लोग आसानी से इधर उधर जा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, तो कहीं भी जाके कंट्री के अंदर कहीं भी जा सकते हैं वो लोग। माइग्रेशन करने में आसानी होती है, जैसे व्यापार बढ़ेगा वैसे ही टाउनशिप भी बढ़ेगा, हर जगह कारोबार बढ़ेगा। तो काफ़ी हद तक पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट को भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें कंट्री में एक एकता का माहौल भी आता है और डिफरेंस भी कम हो जाता है। यहाँ तक कि चाइना में एक ही टाइम जोन रखा है देश में यूनिटी के लिए। पाकिस्तान आज भी उर्दू इम्पोज करने का कोशिश करता है अपने देश में, लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिला है अभी तक उसको। तो ये था पूरी जानकारी ये टॉपिक को लेके। बाकी तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। जय हिंद।